बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी जनाब स्पीकर आपका व्यू पॉइंट आ गया था बैरिस्टर साहब जब आपने तकरीर की है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया प्लीज चुप करो नहीं आप तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें आप बात तो सुन लेना देखें ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है उसका जवाब सुन लें सब्र से सुने कोई बात आपको फिर मौका देंगे फिर आपको फ्लोर देंगे फिर आप बात करेंगे आप अभी बैठ जाएं बैरिस्टर साहब आई नीड योर इंटेलिजेंस उमर साहब आप बात करें देखें पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है आपने अपनी बात कर ली आप फाजल मेंबर को बात करने दें यही तो पार्लियामान का मकसद है कि हम एक दूसरे की बात सुने अगर हम सिर्फ बोलेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आप ये हाउस किस तरह चलाएंगे आप यहाँ देखिए हम सब यहाँ हैं यू आर ऑनरेबल मेंबर्स यू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव बैरिस्टर साहब आप बताइए जब आपने बात की तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया अब उनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैं दोबारा आपको टाइम देता पहले बात सुन लें ताकि अगर कोई क्लेरिफिकेशन हो तो आप कर दें जी देखिए फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में नहीं देखें जब आपने बात की मेरी बात मेरी गुजारिश सुन लें देखें आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहाँ खामोशी थी अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ फिर कल आपकी कौन बात सुनेगा उमर साहब कल आपकी कौन बात सुनेगा ये शोर करेंगे नहीं करो ऐसा नहीं करो ये पाकिस्तान की असेंबली है खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल करो जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूँ सुनने का हौसला रखें सुनने का हौसला रखें खुदा के लिए आप बैठ जाएं मेरी मैंने आपकी बात मानी अभी आप मेरी बात बैठे आप बैठ जाना ना करें गौर साहब आप क्या कर रहे आप बैठ जाए आप दो गौर हैं कम से कम एक तो बैठ जाए ये ज्यादती है नहीं मैं फिर आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर इस तरह करना है दस्ती साहब देखें पार्लियामान में यह है कि आप अपना व्यू पॉइंट दें आपकी जो मुखालिफ सम्मत है उसको सुने अगर वो जवाब देना चाहें तो फिर आप हौसले से जवाब सुने फिर अगर आपके पास कोई काउंटर आर्गूमेंट है तो आप दे अगर इजाज़त देता है स्पीकर को दे दें लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात करेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे बताएं मस्ती खेल ये कैसे चलाएंगे जी बैरिस्टर साहब आपको क्लेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो बाकी बैठ के सुने ना फिर आपने शोर नहीं करवाना इस तरफ से जी बैरिस्टर साहब स्पीकर साहब मैं पॉइंट आउट ये करा रहा हूँ कि अंडर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है वो रूल 17 में रूल 17 का सब रूल 8 ये कहता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब हम इस किस्म का आपके सामने उठाते हैं उस पर क्रॉस बात नहीं हो सकती जो अपना मुंह कमते हैं ये बेशक अदरवाइज अगर आपने उनको टाइम देना है यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस अगर आपने टाइम देना है वो अलग बात होगी यस एवरी मेंबर इज एंटाइटल्ड बट जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है उस पर क्रॉस टॉक नहीं होगी वो मैं आपके नोटिस में विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल लेके आया लॉ यही कह रहा है कि उस पर बहस नहीं होगी इसलिए मैं कह रहा था उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब नहीं है मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट सुन लूं आपने एक बात की है तहम्मुल से सुना गया दस्ती साहब आप बैठ जाना प्लीज जी दस्ती आप बैठ जाए प्लीज जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब स्पीकर उनका एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया है उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौकफ आया है अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौकफ दे रहा हूँ आर्टिकल 51(6)(b) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन of contesting political party read with section 104 of election act 2017 please order in the
अब सुने ना, उसके बाद जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उन्होंने लिस्ट को डिसओन किया है। सबसे आखिर में मैं बात करूंगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि तशरीफ रखें। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमा मांगी हुई है। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है।